पशुओं में दांतों का विकास मनुष्य की तरह ही उम्र के साथ साथ होता है। उम्र के अलग अलग पड़ाव पर दांतों में कुछ बदलाव आते हैं। दांतों के इस बदलाव को समझ, दांतों के विज्ञान को समझ, हम उम्र का पता लगा सकते हैं। उम्र का पता करना बहुत जरूरी है। पशुओं की कीमत उत्पादन और उम्र के हिसाब से नापी जाती है। तो आज का हमारा विषय है दांतों के आधार पर किस प्रकार से पशुओं के उम्र की पहचान करें। सभी पशुपालकों का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल वेटरनरी फार्मासूत्रा में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य एजुकेटिंग पशुपालक, मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पशुपालकों ने पशुओं के जन्म दिवस का रिकॉर्ड रखना बेहतर है, या आप जब पशु बाहर से खरीदते हैं तो उस पशुपालक से जन्म तारीख लेनी चाहिए। इस प्रकार के रिकॉर्ड को पशु आवक या पशु पहचान रिकॉर्ड कहा जाता है। इस विषय पर हमने वीडियो बनाया है, उसे देखना ना भूले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। बहुत बार ये रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमें उम्र का पता अगर लगाना है तो दांतों का उपयोग कर हम कर सकते हैं। गाय भैंस में तीन प्रकार के दांत होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, सामने वाले दांत ये एक प्रकार के हैं और पीछे दो प्रकार के दांत होते हैं। सामने वाले दांतों को इंसाइजर्स कहा जाता है और पीछे वाले को प्री मोलार्स और मोलार्स कहा जाता है। आपको नाम नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, आप इन्हें टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी ऐसे ध्यान में रखें। पीछे वाले दांत ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में हैं। वही अगर आप सामने वाले दांतों की बात करें तो ये सिर्फ नीचे वाले जबड़े में होते हैं। ऊपर वाले जबड़े में मांस ही दिखाई देता है, इसका मतलब यह दांत नहीं होते हैं। ऐसा गाय, भैंस, बकरी, भेड़ में दिखाई देता है। बछड़े में दूध के दांत होते हैं। जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये दूध के दांतों की जगह स्थायी दांत आने लगते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि दूध के दांतों में और स्थायी दांतों में क्या फर्क है, दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूध के दांत स्थायी दांतों से छोटे हैं और ज्यादा सफेद भी हैं। दूध के दांत नीचे के भाग में त्रिकोणीय होते हैं, वैसा स्थायी दांतों में नहीं दिखाई देता है। स्थायी दांत आकार में बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं। पर एक बात ये भी है, इस बात को भी आप ध्यान में रखें, जैसे पशु की उम्र बढ़ती जाती है वैसे स्थायी दांत भी त्रिकोणीय होने लगते हैं, पर ये ज्यादातर 8-9 साल की उम्र के बाद ही दिखाई देता है। बछड़े में दूध के 20 दांत होते हैं। ये 20 दांत धीरे धीरे उम्र के साथ गिरते हैं और इनकी जगह पर परमानेंट दांत या जिसे स्थायी दांत बोला जाता है वो आते हैं। इन स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। सबसे पहले हम दूध के दांतों के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने आपको अभी बताया, दूध के 20 दांत होते हैं। इन 20 दांतों में 8 दांत सामने वाले हैं और बाकी 12 दांत पीछे वाले हैं। सामने वाले 8 दांत नीचे के जबड़े में हैं, ऊपर के जबड़े में मांस का एक पैड की तरह है, और पीछे वाले 12 दांतों में 6 दांत नीचे और 6 दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं। यहाँ अभी सभी पशुपालकों के लिए हम एक टिप बताना चाहेंगे। ज्यादातर जब हम बछड़ों में या गाय में उम्र की पहचान करना चाहते हैं तो सामने वाले दांतों का ही उपयोग करते हैं। सामने वाले दांतों को देख ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस पशु की उम्र क्या हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको पीछे वाले दांतों की भी जानकारी देंगे, पर हम ज्यादातर सामने वाले दांतों पर ही फोकस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बछड़ों में दांतों का विकास किस प्रकार होता है। बछड़े का जब जन्म होता है तो उसे सामने वाले दो दूध दांत होते हैं। जैसे बछड़े की उम्र बढ़ती जाती है तो बाकी दांत आना शुरू हो जाता है। जब बछड़ा 5-6 महीने का होता है तो उसे सामने वाले दूध के 8 दांत आ जाते हैं। अभी धीरे धीरे 10 महीने की उम्र से दूध के दांत घिसने लगते हैं और 1.5 साल की उम्र में दूध के पूरे दांत घिस जाते हैं, बिल्कुल चपटे से या घिसे हुए लगने लगते हैं। गाय में 2 साल की उम्र के बाद परमानेंट दांत आना शुरू हो जाते हैं। वही भैंस में 3 साल की उम्र के बाद परमानेंट दांत आते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं गायों में और भैंसों में दांतों का विकास किस प्रकार होता है। गाय में अभी जो परमानेंट दांत आएंगे वो समूह में आने वाले हैं, मतलब एक साथ 2 आने वाले हैं। सामने वाले 8 दांत है, मतलब कि ये दांत 4 ग्रुप्स में आने वाले हैं। पहले आप इन समूह को समझ लीजिए। सबसे पहला दांतों का समूह है ये बीच वाला, उसके बाद ये दूसरा समूह,
उसके बाद ये तीसरा समूह और ये चौथा समूह। बस अभी आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हर दांतों का जोड़ा कौन से उम्र में आता है और कौन से उम्र से टूटना मतलब घिसना शुरू हो जाता है। तो अभी हम दांतों के समूह का गाय में विकास होने की उम्र देखेंगे, फिर भैंसों में विकास होने की उम्र भी देखेंगे और कौन से उम्र से ये घिसने लगते हैं वो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो मध्य दांत का समूह। गाय में इनका विकास 2 से 2.5 साल में होता है और भैंसों में 3 साल से होता है और 8 साल की उम्र से ये घिसना शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो समूह है उसका विकास गाय में 3 साल में होता है, वही भैंसों में ये 3.5 साल में विकास होता है और 8 से लेके 9 साल की उम्र से ये घिसने शुरू हो जाते हैं। फिर तीसरा जो समूह है उसका गाय में विकास होता है 3.5 साल में, वही भैंसों में इनका विकास 4.5 साल में होता है और 10 साल की उम्र में ये घिसना शुरू हो जाते हैं। फिर चौथा जो समूह है उसका गाय में विकास होता है 4 साल में, भैंसों में 5-6 साल में और ये 10 साल की उम्र से घिसना शुरू हो जाते हैं। असल में अगर बात करें तो 10 साल के बाद दांतों के सहारे उम्र का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, पर उम्र जानने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है और आप इसका जरूर उपयोग करें। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। वेटरनरी फार्मासूत्रा ये चैनल वेटरनरी डॉक्टरों द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल पे हम हर हफ्ते आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए।